हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, ओ माय गॉड टू, जी हाँ दोस्तों, हालांकि आपको बता दूं कि कल बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई ट्रेलर को लेके कि ट्रेलर को यूए सर्टिफिकेट दिया गया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वहीं पे आज अभी एक घंटा पहले ही दोस्तों एक बैड न्यूज़ आ गई है ओ माय गॉड टू मूवी को लेके। दोस्तों बैड न्यूज़ ये है कि आपको बता दूं कि दोस्तों इसका जो सर्टिफिकेट है यूए नहीं मिला, ए सर्टिफिकेट मिला है दोस्तों। जी हाँ, इस मूवी को 18 साल से नीचे वाले लोग नहीं देख पाएंगे दोस्तों, और जो फैमिली ऑडियंस होती है दोस्तों, हालांकि जो बच्चे लेके जाते हैं वो नहीं जा पाएंगे दोस्तों। तो गाइज, घोर कलयुग आ गया है भाई। भाई अगर हम ओ माय गॉड की सब्जेक्ट की बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, तो कहीं ना कहीं यार ये एक आस्था वाली मूवी है, भगवान से जुड़ी हुई है दोस्तों। तो गाइज, आपको याद होगा ओ माय गॉड जब मूवी आई थी ऐसी कुछ हुई नहीं थी दोस्तों, कोई भी उसको अच्छी खासी सर्टिफिकेट यू ए दे के रिलीज़ की गई थी, और उसको छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक इस मूवी को देखे थे और सभी को पसंद आई थी दोस्तों। बट अगर हम ओ माय गॉड टू की बात करें तो यार यहाँ पे ए सर्टिफिकेट मिल के ना यार एक कन्फ्यूज़न हो गई है दोस्तों, और आपको बता दूँ कि छोटे बच्चे अब नहीं देख पाएंगे। चलो अब आगे की बातें करेंगे दोस्तों। आपको बता दूँ कि अभी जो हाल थिएटर का चल रहा है आपको पता ही है दोस्तों कि बहुत ऐसे थिएटर हैं जहाँ पर चेकिंग नहीं होती है। अभी आधार कार्ड तो चेक नहीं करोगे आप, इसकी एज क्या है, आजकल क्या हो गया है, 16-17 साल के बच्चे को भी दाढ़ी मूछ आ जाती है, देखने में लगते हैं यार 25 साल 22 साल के छोकरे दिखते हैं वो, तो आप आधार कार्ड तो नहीं मांगोगे। तो बहुत सारे ऐसे थिएटर हैं जहाँ पे बहुत कम चेकिंग होती है और बहुत सारे लोग एंट्री कर लेते हैं दोस्तों। खैर जो भी हो दोस्तों, अभी तो ये देखना रहेगा कि ट्रेलर में क्या दिखेगा, बाकी मूवी के सवाल है दोस्तों। तो मूवी में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर इसको ए सर्टिफिकेट किस बेसिस पे दिया गया दोस्तों। देखो अभी एडल्ट सीन को ही मिलता है ए सर्टिफिकेट, तो अगर ओ माय गॉड टू में कहीं पे एडल्ट सीन होगी, सेंसर बोर्ड ने चेक किया होगा सही तरीके से, तो उन्होंने डिसीजन लेके ए सर्टिफिकेट दे दिया। अभी होगा तो ही तो मिला होगा सर ए सर्टिफिकेट, अगर एडल्ट सीन नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है यू ए सर्टिफिकेट मिलता, तो एडल्ट सीन होगी जाहिर सी बात है तब जाके एडल्ट सीन दिया गया दोस्तों। तो इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं, सेंसर बोर्ड के पास मूवी जाती है और सेंसर बोर्ड माय बाप है फिल्म इंडस्ट्रीज़ की, जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे आप थिएटर में रिलीज नहीं कर सकते हो, और वो जो भी सर्टिफिकेट देंगे आपको लेना पड़ेगा ही, इसके लिए आप जितना जंग लड़ लो कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तो गाइज फाइनली रिजल्ट आ गया दोस्तों, बोले तो यार क्लियर हो गया कि ओ माय गॉड टू ए सर्टिफिकेट पे रिलीज होगी और छोटे बच्चे इस मूवी को नहीं देख पाएंगे, और ऑडियंस की कमी हो सकती है, फैमिली ऑडियंस अगर जाएगी तो अपने बच्चों को लेकर शायद नहीं जाए मूवी, क्योंकि ए सर्टिफिकेट जो दिया है तो कोई भी माए बाप अपने छोटे बच्चों को लेके जाना पसंद नहीं करेंगे दोस्तों। तो बस भाई इतना ही, आपके हिसाब से क्या लगता है आप हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।